स्वामी जी ने शिकागो की धर्म संसद में भाषण देकर दुनिया को यह एहसास कराया कि भारत विश्व गुरु है। अमेरिका जाने से पहले स्वामी विवेकानंद जयपुर के एक महाराजा के महल में रुके थे। महाराजा विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का भक्त था। विवेकानंद के स्वागत के लिए राजा ने एक भव्य आयोजन किया। इसमें वेश्याओं को भी बुलाया गया। शायद राजा यह भूल गया कि वेश्याओं के जरिए एक सन्यासी का स्वागत करना ठीक नहीं है। विवेकानंद उस वक्त अपरिपक्व थे। वे अभी पूरे सन्यासी नहीं बने थे। वह अपने काम वासना और हर चीज को दबा रहे थे। जब उन्होंने वेश्याओं को देखा तो अपना कमरा बंद कर लिया। जब महाराजा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने विवेकानंद से माफी मांगी। महाराजा ने कहा कि उन्होंने वेश्या को इसके पैसे दिए हैं, लेकिन ये देश की सबसे बड़ी वेश्या है। अगर इसे ऐसे ही चले जाने को कहेंगे तो उसका अपमान होगा। आप कृपा करके बाहर आए। विवेकानंद कमरे से बाहर आने से डर रहे थे। इतने में वेश्या ने गाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने एक सन्यासी गीत गाया। गीत बहुत ही सुंदर था। गीत का अर्थ था, मुझे मालूम है कि मैं तुम्हारे योग्य नहीं, तो भी तुम करुणामय हो सकते थे। मैं राह की धूल सही यह मुझे मालूम है, लेकिन तुम्हें तो मेरे प्रति इतना विरोधात्मक नहीं होना चाहिए। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं पापी हूँ, पर तुम तो पवित्र आत्मा हो, तो क्यों मुझसे भयभीत हो तुम? विवेकानंद ने अपने कमरे से इस गीत को सुना। वेश्या रोते हुए गा रही थी। उन्होंने इसकी स्थिति को अनुभव किया और सोचा कि वो क्या कर रहे हैं। विवेकानंद से रहा नहीं गया और उन्होंने कमरे का गेट खोल दिया। विवेकानंद एक वेश्या से पराजित हो गए। वे बाहर आकर बैठ गए। फिर उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, ईश्वर से एक नया प्रकाश मिला है मुझे। डरा हुआ था मैं, जरूर कोई लालसा रही होगी मेरे भीतर, इसलिए डर गया मैं, किंतु उस औरत ने मुझे पूरी तरह हरा दिया। मैंने कभी नहीं देखी ऐसी विशुद्ध आत्मा। उस रात उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, अब मैं उस औरत के साथ एक बिस्तर पर भी सो सकता था और कोई डर नहीं होता। दोस्तों, इस घटना से विवेकानंद को तटस्थ रहने का ज्ञान मिला। आपका मन दुर्बल और निस्सहाय है, इसलिए कोई भी दृष्टिकोण पहले से तय मत करो। तो बताइए आज के इस वीडियो के बारे में आपकी क्या है राय नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। साथ ही यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।